वेलकम बैक टू वस्ती क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस कि पार्टनरशिप बिजनेस को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और यहां पर टू ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया इस टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी को हम कैसे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का कंसेप्ट है। प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मींस टाइम के बेसिस पे। ड्यूरेशन मतलब होता है कि टाइम। अब इस टाइम के बेसिस पे अगर हम देखें तो पार्टनरशिप बिजनेस को हम थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तीनों में डिफरेंस जानेंगे और हमारा डाउट हो जाएगा क्लियर। नंबर तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है पार्टनर्स की इच्छा पर जो पार्टनरशिप डिपेंड होगी उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप विल। विल मतलब इच्छा। हो क्या रहा है, एबीसी पार्टनर है, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया था, पार्टनर बन गए थे, अपनी मर्जी से पार्टनर बन गए थे, पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने कैपिटल लगाई थी, प्रॉफिट हो रहा था, बिजनेस कर रहे थे, और जैसा नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में चलता है वो सारी एक्टिविटीज वो बिजनेस में कर रहे थे। हुआ क्या, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को लगने लगा है कि अब पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाए। किसी एक पार्टनर की इच्छा होने पर भी पार्टनरशिप बिजनेस को हम बंद कर सकते हैं, और इच्छा होने पर मतलब पार्टनर्स की विल होने पर जिस पार्टनरशिप बिजनेस को हम वहां पर एग्जिस्टेंस में लाए थे, हमने उसका फॉर्मेशन किया था, और एक ही पार्टनर की इच्छा होने पर या सारे पार्टनर्स को लगता है कि अब पार्टनरशिप हमको बंद कर देना चाहिए, तो पार्टनर्स की विल पर ही हमने उसे स्टार्ट किया था, पार्टनर्स की विल पर ही हमने पार्टनरशिप हमको बंद करने का सोच दिया है, इसी हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो देखेंगे तो लिखा है फॉर्म बाय इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड का मतलब होता है जहां पर टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो, हमें पता ना हो कि हम कब तक चलाएंगे, और ऐसे पीरियड को, टाइम को हम कहते हैं इनडेफिनेट पीरियड। तो फॉर्म द फॉर इनडेफिनेट पीरियड, फॉर्म मतलब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कि चलता रहेगा, जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन क्लोज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बंद कर सकते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स विल। बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को रजिस्टर्ड करना चाहे तो, बिजनेस को रन करना, और जब मन चाहे बिजनेस का शटर डाउन कर देना और लिख देना कि भैया आज से बिजनेस हमारा खत्म हो चुका है, पार्टनर्स की इच्छा पर है और ऐसा पॉसिबल है। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप कम टू एन एंड। किसी एक पार्टनर ने इच्छा जताई कि भैया बंद करो पार्टनरशिप बिजनेस को, और हमने कर देना है पार्टनरशिप बिजनेस को बंद, तो किसी एक पार्टनर की इच्छा हो गई है कि अब पार्टनरशिप बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चलाना है, हम तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप की थी, एबीसी की हम बात कर रहे हैं, और अब लगता है कि बंद कर दो, तो पार्टनरशिप हमको बंद कर सकते हैं। किसी एक पार्टनर की इच्छा पर भी वो नोटिस देगा, और नोटिस देने के बाद पार्टनरशिप फर्म की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें करनी होगी, जो हमने लॉज बनाए हैं अपने लिए, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उसको पूरा करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस को हम कर देंगे बंद। तो इजी फॉर्मेशन, इजी क्लोजर पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड है, इसे हम कहते हैं यहां पर पार्टनरशिप एट विल। और सेकंड नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि हमने एक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप एट विल में तो हमने ये टाइम डिसाइड ही नहीं किया था कि हमारा बिजनेस कितने सालों तक चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप जो सेकंड पॉइंट है, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप में हमने टाइम डिसाइड किया था। एबीसी ने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया है और डिसाइड किया है कि हम इस बिजनेस को आने वाले 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, जितना भी उन्होंने डिसाइड किया, जो भी टाइम पीरियड वहां पर डिसाइड किया है, उतने टाइम तक चलती रहेगी, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। वो टाइम पूरा होने के बाद में, क्योंकि हम उसे कहते हैं एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, तो जब वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, जो कि हमारे डीड में लिखा था, पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप क्लोज हो जाएगी, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जैसे ही वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड खत्म होता है, जो हमने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में जब पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म किया था, उस टाइम पीरियड के खत्म होते ही बिजनेस को कर देना है बंद, पार्टनरशिप वहां पर हो जाएगी खत्म। तो मामला बहुत क्लियर हो गया। एबीसी पार्टनर है, उन्होंने कहा कि भाई 1 साल के लिए पार्टनरशिप हम बना लेते हैं, और 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा पार्टनरशिप बिजनेस में लगा देंगे ताला, बिजनेस हो जाएगा बंद, पार्टनरशिप हो जाएगी एंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि हमने एक बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए हमें इंटीरियर डेकोरेटर भी चाहिए होगा, इंजीनियर भी चाहिए होगा, वहां पे फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए, उसका सही तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए हमें एक अकाउंटेंट भी चाहिए होगा, और बहुत सारे
वहां पर हमें मैनेजरियल स्किल्स के लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमने ऐसे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की कि भैया ये बिल्डिंग बनानी है, एक साल में बन जाएगी तो, दो साल में बन जाएगी तो, छह महीने में बन जाएगी तो, क्योंकि टाइम पीरियड यहां पर नहीं है। यहां पर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी वेंचर, जिसे हम वेंचर कहते हैं, मतलब कि किसी टास्क को पूरा करना चाहते हैं और वो टास्क जितने दिनों में पूरा हो जाएगा तब तक वो पार्टनरशिप फर्म बनी रहेगी, और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाएगा उस पार्टनरशिप बिजनेस को हम कर देंगे एंड, क्योंकि जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ तो सारे पार्टनर्स का काम वहां पर खत्म हो गया, और जैसे ही पार्टनर्स का काम खत्म हो गया उस पार्टनरशिप बिजनेस को हम कर देंगे वहां पर एंड। तो लिखा हुआ है फॉर्म्ड टू कैरी ऑन द पर्टिकुलर वेंचर, किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, आप ब्रिज बना रहे थे, आप बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, आप शॉपिंग मॉल बना रहे थे, आप रोड बना रहे थे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कोई लंबा प्रोजेक्ट था, तो जो भी काम लिया है आपने और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता पूरे तरीके से तब तक आप उसका फॉर्मेशन करके रखते थे पार्टनरशिप फर्म का, और जैसे ही वहां पे बिजनेस कंप्लीट हो गया आपने कर दी पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज। तो क्लियर लिखा है कि फॉर्म टू कैरी ऑन द पर्टिकुलर वेंचर, जैसे ही हमने पर्टिकुलर वेंचर को काम करने के लिए वहां पे उसका फॉर्मेशन किया था, comes to an end automatically on the completion of that venture, और जैसे ही उस वेंचर का उस पर्टिकुलर टास्क का काम कंप्लीट होता है पार्टनरशिप बिजनेस को कर देना होगा एंड, और अपने आप काम खत्म होते ही हमारी पार्टनरशिप फर्म वहां पर हो जाएगी एंड। तो बहुत ईजी है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया फिक्स पीरियड, एक साल, दो साल, तीन साल, जितना भी आपने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था। तीसरा था कि आपने टाइम डिसाइड नहीं किया था, आपने अपनी इच्छा से डिसाइड नहीं किया था, आपने डिसाइड किया था कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग बनानी, बिल्डिंग जिस दिन बनके कंप्लीट हो जाएगी उस दिन पार्टनरशिप हो जाएगी खत्म। तो ये तीन तरीके हैं जहां पर हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो इसके पहले भी हम लोगों ने लायबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है कि सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब पढ़े थे? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब था कि अगर बिजनेस की एसेट्स, अगर बिजनेस में हो गया हैवी लॉस और उस लॉस की भरपाई अब पार्टनर्स अपने बिजनेस की एसेट्स से नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस बंद कर दो, बिजनेस की एसेट्स को बेच दो, जो लायबिलिटीज है उसका पेमेंट कर दो, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। इसी को हम कहते हैं लायबिलिटी का अनलिमिटेड होना। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट लायबिलिटी हमने टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसे हम एलएलपी कहते हैं, जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जनरल पार्टनरशिप का मतलब कि सारे ही पार्टनर्स बिजनेस में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी पार्टनर्स के आने जाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे ही पार्टनर्स की फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, सारे ही पार्टनर बिजनेस में वर्क कर सकते हैं और सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड, ये हमने डीमेरिट में भी पढ़ा था कि मेंबर अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ वर्क करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी गलती नहीं भी होती है फिर भी उनका खामियाजा उन सारे पार्टनर्स को भुगतना होता है जो कि जिन्होंने कोई गलती की नहीं थी, क्योंकि लायबिलिटी सारे मेंबर्स की लिमिटेड है। ईच पार्टनर्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द फर्म, मैंने आपको बता दिया सारे ही पार्टनर बिजनेस में आराम से आएंगे जाएंगे और बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकते हैं, बिजनेस की एक्टिविटी में अपने आपको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, तो सारा काम कर सकते हैं, बिजनेस के ओनर हैं भाई और ये सब काम वो कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है अगर उन्होंने जनरल पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया है। क्योंकि हम आज यही तो पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप से हम पार्टनरशिप हमको यहां पर बना सकते हैं। तो लायबिलिटी के बेसिस पे जनरल पार्टनरशिप है, और इंडिया की बात करते हैं तो ये इंडिया में मैक्सिमम जगहों पर यही पार्टनरशिप वर्क करती है जिसमें मेंबर सारे होते हैं, जिसे हम पार्टनर्स कहते हैं, और उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अगर पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं तो लिखा है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप एक नया कंसेप्ट है, बहुत अच्छे समझिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, इसे हम शॉर्टकट में एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी बना हुआ है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके पहले हम जब पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन जैसे ही हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सेपरेट एक्ट बनाया गया है जिसे हम कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय इन एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इनएक्टेड हुआ है 2008 पार्टनरशिप एक्ट में, और यह पार्टनरशिप फॉर्म को क्यों फॉर्म किया गया इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, और इसकी वजह यह है कि हमने यहां पे पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किया है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे लिमिटेशन थे जो कि आपको मैंने बता दी है कि पार्टनर्स में सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर से किया कुछ भी नहीं फिर भी उनको वहां पर पेमेंट करना है, घर की एसेट्स बेच के पेमेंट करना है। इसी लायबिलिटी कंसेप्ट के लिमिटेशन को खत्म करने के लिए यहां पर एक नया पार्टनरशिप फॉर्म किया गया जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या फीचर्स होते हैं यही हम जानेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ दिया है इंट्रोड्यूस बाय इनएक्टेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो अपने एक्ट में आया है और 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में कवर होता है। एटलीस्ट वन पर्सन मस्ट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहां
वहां पर भी बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। जबकि ऊपर जनरल पार्टनरशिप पे हमने पढ़ा था कि सारे ही पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि नाम से क्लियर है लिमिटेड लायबिलिटी, सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी लिमिटेड एक्सेप्ट वन, किसी एक की लायबिलिटी यहां पर होगी अनलिमिटेड। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, बाकी सारे ही पार्टनर्स की होगी लिमिटेड। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पढ़ा था, मुझे पता है आपके दिमाग में भी ये बात आई थी कि वहां पर जो ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली होता था, जिसे हम कर्ता कहते थे, कर्ता की लायबिलिटी होती थी अनलिमिटेड, बट जबकि सारे बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी होती थी लिमिटेड। तो सेम वहां पर देखेंगे तो हम कॉपी कर रहे हैं, पार्टनर्स हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर। वो सारे पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी है लिमिटेड, तो वो सारे, क्योंकि सारे ही होंगे क्योंकि एक ही है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, तो एक को छोड़कर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है बाकी सारे ही पार्टनर्स वहां पे कहलाते हैं लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। और वो पार्टनर कहलाएंगे बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए स्पेशल पार्टनर। उनके लिए ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे है हमारे पास में। तो लिखा हुआ है कि हमारे पास जो पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उन्हें हम स्पेशल पार्टनर बोलते हैं, और स्पेशल पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी। स्पेशल पार्टनर जिनकी लायबिलिटी है लिमिटेड, उन्हें बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं है, उनको कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर हम जनरल पार्टनरशिप में देखते हैं, सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी और सारे ही पार्टनर बिजनेस में आराम से आके घूमते फिरते थे, बिजनेस में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेपरेट एक्ट है, पार्टनरशिप के लिमिटेशन को दूर करने के लिए बनाया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर को हम स्पेशल पार्टनर कहते हैं, जिसे बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट वहां पर नहीं है। अब ये मत पूछिएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो एक्ट में लिखा है तो वैसे ही हमें पढ़ना है। अब लिखा हुआ है स्पेशल पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, लेकिन यहां पर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का राइट तो नहीं है स्पेशल पार्टनर को, लेकिन उसे पूरा राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट वो देख सकता है, बिजनेस का क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा किसको गया, कितना किससे आया, कितने पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए, सब कुछ देख सकता है। और लिखा हुआ है स्पेशल पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। स्पेशल पार्टनर कौन है वो आप जानते हैं। स्पेशल पार्टनर कैन विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स। हो जब भी किसी स्पेशल पार्टनर को लगता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि बस हो गया पार्टनरशिप बिजनेस से मेरा मन अब भर गया है, मुझे इस पार्टनरशिप हमको छोड़ देना चाहिए, तो भैया रास्ता खुला है, आप बिजनेस से जा सकते हैं और आपकी पार्टनरशिप से आपका नाम हम वहां से कट कर देंगे। तो पार्टनर स्पेशल पार्टनर की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो जब चाहे बिजनेस में अपने आप को बिजनेस से अलग कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और लिखा हुआ है कि उसको हमने छोड़ दिया है फ्री, वो विथड्रॉ कर सकता है व्हेनेवर ही डिजायर्स, जब उसको ऐसा लगता है तो वैसा कर सकता है। और देखेंगे तो लिखा है डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्पेशल पार्टनर है, उसकी डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऐसे किसी भी केस से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बिजनेस में पड़ने नहीं वाला है कोई भी फर्क, क्योंकि लायबिलिटी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वैसे भी जो जिसकी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड थी उसे हम स्पेशल पार्टनर बोल रहे थे, वो ना बुक्स ऑफ अकाउंट को बड़ा देख सकता था, ना तो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता था, सारे काम यहां पर वही पार्टनर कर रहा है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो भैया किसी पार्टनर के स्पेशल पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी जाने से बिजनेस के ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा जैसे उस पार्टनर के होने पर चलता था, और बिजनेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जब तक चाहेगा हमारा वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है बिजनेस को कंटिन्यू करता रहेगा, बिजनेस हमारा चलता रहेगा। और ये है हमारे पास जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इतना ही है, बहुत कंफ्यूज मत होइए, आराम आराम से पढ़िए, चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना ही होगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।